हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन कैनिस एजुकेर टुडे वी आर लर्निंग अबाउट कॉर्डुलैटरल दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर नाइन्थ मैथमेटिक्स एन सी आर टी तो ये स्टार्ट करते हैं आज हम लर्न करेंगे मिड पॉइंट थेरम देखिए स्टूडेंट्स यू हैव स्टडी मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राएंगल एज वेल एज अ कार्टुलेटरल नाउ लेट अस स्टडी येट अनादर रिजल्ट विच इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राएंगल मतलब एक ट्राएंगल है अभी ट्राएंगल के ए बी एंड ए सी दिस टू आर द साइड्स ओके इनके uh, कुछ ना कुछ तो मिड पॉइंट होंगे जैसे कि यहाँ पर ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड मार्क द मिड पॉइंट्स ई एफ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राएंगल ज्वाइन द पॉइंट्स ई एफ ठीक है हमने कर दिया नाउ मेजर ई एफ एंड बी सी ई एफ एंड बी सी को मेजर करिए आपको क्या पाएंगे आप यहाँ पर करेक्ट यू गेट ई एफ इज परफेक्टली हाफ ऑफ बी सी आप यहाँ पर क्या पाएंगे जो बी एफ है ये बी सी के एग्जैक्टली exactly हाफ है अगर यहाँ पर बी सी फोर सेंटीमीटर है तो ई एफ आपको यहाँ पर टू सेंटीमीटर मिलेगा एंड एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बिकॉज दिस टू आर द पैरल लाइन अगर होंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे एंड ई एफ यहाँ पर बी सी से पैरल हो जाएगी सो रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर ट्रैंगल्स और कुछ ट्राएंगल्स देखिए ओके एंड यू आर द फॉलोइंग थेरम जो है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरल टू द थर्ड साइड ओके द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राएंगल मतलब ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन क्या होती है पैरल होती है किसे थर्ड लाइन को पैरेलल होती है ठीक है मतलब थर्ड वाली लाइन मतलब बी सी है तो बी सी को ये पैरेलल होगी यू कैन प्रूव दिस थ्योरम यूजिंग द फॉलोइंग क्लू ऑब्जर्व दिस डायग्राम हमने क्या किया ई एफ को ऐसे एक्सटेंड किया कि यहाँ पर ई डी एंड बी सी यहाँ पर इक्वल मिले और सी को ऐसे हमने एक्सटेंड किया मतलब ई बी को पैरेलल आ जाए ठीक है सो इन विच ई एफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ए बी एंड ए सी आर रिस्पेक्टिवली एंड सी डी इज पैरेलल विद बी ओके सी डी क्या है बी ए को मतलब ए बी को पैरेलल है नाओ ट्राइंगल एफ एफ ये वाला ट्राइंगल इससे कॉन्गोन कर पाएंगे हम सी डी एफ से बा एस ए रूल से कैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा ई ए एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी का भी ये क्या है मिड पॉइंट है ठीक है ए बी एंड ए सी का मिड पॉइंट है अगर एफ यहाँ पर ए uh, सी का मिड पॉइंट है तो ये इससे इक्वल होगा करेक्ट ये तो बात सही है देन आफ्टर देट स्टूडेंट्स यहाँ पर अपोजिट एंगल मिल रहे हमें मिल रहे हैं क्या अपोजिट एंगल यस अपोजिट एंगल मिल रहे हैं देन और यहाँ पर कौन सा यहाँ पर देखिए ए बी एंड यहाँ पर डी सी क्या है दो पैरल लाइन है मतलब अल्टरनेट एंगल पेयर यहाँ पर यूज़ करिए ये एंगल इससे इक्वल होगा सो बाई ए एस ए रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एफ एंड ट्राएंगल सी डी एफ बोथ आर द कॉन्ग्रूवेंट सो देअर फॉर ई एफ इज इक्वल टू डी एफ हमने क्या पाया पाया कि यहाँ पर ई एफ डी एफ से इक्वल है एंड बी ई इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू डी सी ओके बी ई इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू डी सी क्यों यहाँ पर ऐसे बिकॉज़ यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बी ई बी ई डी सी यहाँ पर पैरल है बराबर पैरला है तो स्टूडेंट्स बी डी सी से इक्वल होगा ये तो सही बात है तो यहाँ पर ये इससे इक्वल है ये इससे इक्वल है मतलब बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी सी हो गया सो देयर फोर बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम दिस गिव्स ई एफ इज पैरेलल विद बी सी इन दिस केस आल्सो नोट दैट ई एफ इज हाफ ऑफ ई डी ई एफ क्या है हाफ ए डी का इसका मतलब ई एफ यहाँ पर हाफ हो जाएगा बी सी का भी बिकॉज ई डी इज इक्वल टू बी सी होता है ओके okay? समझ में आ गया सो कैन यू स्टेट द कॉन्वर्स ऑफ थेरम 8.9 का जो आप कॉन्वर्स बता सकते हो यू विल सी दैट कॉन्वर्स ऑफ द अबो थेरम इज ऑल्सो ट्रू विच इज स्टेटेड एज बिलो द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन लाइन ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरल टू अनदर साइड बाइसे द थर्ड साइड ओके देखिए उन्होंने क्या कहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राएंगल ट्राएंगल है ट्राइंगल की वन साइड से एक मिड पॉइंट से हमने क्या किया एक लाइन पास कर दी है ठीक uh, okay, है एंड विच इज द पैरल टू द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राएंगल पैरल टू अनादर साइड ओके पैरल है अनादर साइड को टू द थर्ड साइड यह इसका कॉन्वर्स हो जाता है सो स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन एल इज पासिंग थ्रू ई एंड पैरल टू बी सी एंड सी एम इज पैरल विद बी ए तो एफ इज इक्वल टू सी एफ हम प्रूव कर सकते हैं बाई यूजिंग द कांग्रुवेंस ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ एंड सी डी ई देखिए ए ई एफ ये वाला ट्राएंगल एंड सी डी ई अभी हमने ऑलरेडी देखा था आप उस तरीके से यहाँ पर इसे कांग्रुएंसी शो कर सकते हो तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ए बी बी सी सी ए शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ द डिवाइडेड इनटू फोर कॉन्गोरेट ट्राइंगल्स बाई जॉइनिंग डी ई एफ ठीक है देखिए यहाँ पर ए बी सी हमें दिया है डी ई एफ ई ये तीनों भी क्या है मिड पॉइंट्स है ठीक है और यहाँ पर उन्हें क्या किया डी एफ ई इनको तीनों को कनेक्ट कर लिया है ठीक है हमें शो क्या करना है ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड इंटू फोर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब ये 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 क्या है सभी कांग्रोट हमें शो करना है ओके बाय जॉइनिंग डी ई एफ सो एज अ डी इन ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ए बी एंड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी तो स्टेरम थेरम की वजह से डी पैरल विथ ए सी हो जाएगा ये जो डी है ये ए को पैरल हो जाएगा सिमिलरली ई एफ हो जाएगा ए बी को एंड डी एफ हो जाएगा बी सी को तो स्टूडेंट्स देयर फॉर ए डी ई एफ एंड बी डी ई एफ एंड डी एफ सी ई ए डी ई एफ देन उसके बाद बी डी देन उसके बाद एफ ई e, ये वाला एंड डी एफ सी ई मतलब ये वाला आर द पेरोग्राम्स नाउ डी इज डायगोनल ऑफ द पेरोग्राम बी डी ई एफ बी डी एफ ई सो देर फोर ट्राइंगल बी डी ईज कॉन्ग्रेट विद ट्राइंगल एफ ई डी बी डी ई देखिये बी डी ई ये कांग्रेट हो जाएगा एफ ई डी से इससे कॉन्ग्रेट हो जाएगा ये पैलोग्राम है तो पैलोग्राम में दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं ये जो साइड uh, से उसने डिवाइड किया तो डायगोनल से सिमिलरली डी एफ ये एफ ई डी से एफ ई डी मतलब इससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा अगर ये इससे कॉन्ग्रोट है ये इससे कॉन्ग्रेट मतलब ये भी इससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सही ना यस देन ई एफ सी इज़ कॉन्ग्रेट विद एफ ई डी मतलब ये इससे कॉन्ग्रेंट है तो स्टूडेंट्स ये इससे भी कॉन्ग्रेट हो जाएगा और ये इससे भी कॉन्ग्रेट हो जाएगा okay so all the four triangles are congruent example number eight l m n are the three parallel lines intersected by transversal p and q such that l m n are uh, cut off equals intersect a b, b c on p show that l m n cut off of equal intercept de and ef on q's also okay so students we are given that a b is equal to bc and have to prove that de is equal to ef so students let us join a to f intersecting m at g the trapezium a c f and d ye trapezium uh, is divided into two triangles namely acf Dehke acf ye wala triangle ho triangle और ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा अनदर वन ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कौन सी कंसेप्ट यूज कर सकते हो मिड पॉइंट थे यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर सकते हो तो जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ सो नाउ इन ट्राइंगल ए एफ डी वी कैन अप्लाई द सेम कॉन्ग्रेंट जी एज द मिड पॉइंट ऑफ ए एफ सो दैट्स वाई जी इज पैरल विथ ए डी जी क्या हो जाएगा पैरल हो जाएगा ए डी को ओके सो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एफ हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू ई एफ यहाँ पर मिल गया तो स्टूडेंट्स इन ऑर्ो वर्ड्स हम क्या कह है सकते हैं एलिमेन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या लर्न किया इन दिसंट समी सिक्सटी डिग्री अपोजिट साइडर अपोजिट एंगल इच अदर अटोलेटर इज अ पैरोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल Diagonal bisect each other. A pair of opposite sides is equal and parallel. Diagonals of rectangle bisect each other are equal and vice versa. Diagonal of rhombus bisect each other at right angles and vice versa. Diagonals of a square bisect each other at right angles and are equal and vice versa. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it.